एनटीए ने स्टूडेंट्स का फ्यूचर यहां पर खराब कर दिया है। डेढ़ साल में भी एक एग्जाम एनटीए से कंडक्ट नहीं हुआ। स्टूडेंट को इस चीज को लेकर बड़ा गुस्सा है और एनटीए पर जो है वो मेंटल हरासमेंट का केस करने के स्टूडेंट जो है वो सोच रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेंटल हरासमेंट के केस जब किया जाएगा, पीआईएल जब दायर की जाएगी, रिपिटेशन जब लगाई जाएगी, ऐसे में एनटीए के पास में इन सब चीज़ के बचाव के लिए क्या ठोस वजह यहाँ पर निकल कर आती है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी खास तौर पे पहले विचार किया जाना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपका टाइम और पैसा दोनों ही यहाँ पर वेस्ट हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी गुरुजी चैनल स्टूडेंट के लिए हमेशा खड़ा है और स्टूडेंट की हर बात को ध्यान से सुनता है, उस पर गौर करता है। इसी वजह से स्टूडेंट की हर बात हम तक पहुँच पाती है। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर इन दिनों लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं। स्टूडेंट बड़ा परेशान भी है, डेढ़ साल से तैयारी कर रहा था और अभी तक उसे उसके रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आंसर की रिजल्ट हाथ में नहीं मिला है। घर वालों का भी प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है कि आखिर कब तक तैयारी करोगे, आखिर कब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, कब एग्जाम होगा। पहले प्रॉब्लम थी एग्जाम कब होगा, अब प्रॉब्लम है कि रिजल्ट कब आएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान है, मेंटल हरास यहाँ पर पूरे तरीके से स्टूडेंट हो गया है। तो एक बात आपको मैं सबसे खास तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप एनटीए पर केस फाइल करने की सोच रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए निकल कर आती है वो ये कि आप अपने केस के अंदर क्या चीज़ सबसे खास तौर पे लिखेंगे। आप ये लिखना चाहेंगे कि डेढ़ साल हो गया एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया, तो उसके लिए एनटीए सीधी सी दलील यहाँ पर पेश कर सकता है कि कोरोना की वजह से वो नहीं ले पाया एग्जाम और कोर्ट भी इस बात को दरकिनार नहीं कर सकती। कोरोना एक बड़ा मेजर एस्पेक्ट है और एनटीए इस चीज का ओटा लेगी। आप कहेंगे नीट और जेई के एग्जाम को पहले ले लिया, तो कोर्ट कहेगी बाकियों का फायदा आपका नुकसान है, ये चीज आप साबित नहीं कर सकते हो। नीट और जेई का एग्जाम पहले ले लिया, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। तो ऐसे में आप अपनी बात करें, आप कहेंगे डेढ़ साल में एग्जाम, वो कहेंगे कोरोना की वजह से बात यहां पर खत्म हो जाएगी। फिर आप कहोगे रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आंसर की नहीं दिया, हमने तो नवंबर में एग्जाम दे दिया था, जनवरी आ गया अभी तक कुछ भी नहीं दे पाई, तो एनटीए कहेगी कि हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था, उसमें भी ये कह रखा था कि इसकी डेट हम अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं, टू बी डिक्लेयर लेटर। तो अभी स्टूडेंट को इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए लंबा प्रोसेस है, हमने तभी तो इसकी डेट नहीं अनाउंस की थी। तो दोनों जो मेजर एस्पेक्ट आपके लिए केस के हो सकते हैं वो यहाँ पर दरकिनार कर दिए जाएंगे। बाकी कोई आपका घर का ही एडवोकेट हो, कोई बहुत पैसे वाले आप हों, तो आप इन सब चीज़ों के अंदर जा सकते हैं। बाकी एवी गुरुजी चैनल की ओर से आपको राय यही है कि इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें। और अगर आपने केस कर भी दिया और इस दौरान एनटीए रिजल्ट जारी कर देती है, रिकॉर्ड रिस्पॉन्स आंसर की भी प्रोवाइड कर देती है, तो आपके लिए जो मेजर एस्पेक्ट था केस का वो तो धरा का धरा ही रह जाएगा, क्योंकि आप जाएंगे कोर्ट में लेकिन पीछे वेबसाइट के ऊपर रिकॉर्ड रिस्पॉन्स और आंसर की आ चुकी है। तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता है। और केस वगैरह के बारे में, जी हाँ बिल्कुल, रोष है आप सभी के अंदर, गुस्सा है आप सभी के अंदर, पर एनटीए के खिलाफ कोर्ट में जाना हमारी तरफ से यही कहा जाएगा कि वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी के अंदर काउंट किया जाएगा। आप एबी गुरुजी चैनल के साथ में बने रहिए, किसी भी तरीके का ऑथेंटिक अपडेट होगा तो ये चैनल आप तक जरूर पहुंचाएगा। और एबी गुरुजी चैनल की छत्र छाया में सभी स्टूडेंट जो भी रह रहे हैं उन सब की केयर एबी गुरुजी चैनल करता है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाई गई है। अलग अलग स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के थ्रू समझाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और अब मुझे लगा कि और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं उन तक भी ये बात पहुंचाई जाए, इसके लिए वीडियो बनाई गई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और उनके मन में जो ये डाउट चल रहा है केस के लिए वो सब यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सके। इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।